क्या जिन शब्दों से किसी काम के करने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे हम बहुत सारी क्रियाएं करते हैं, जैसे कि हंसना, रोना, खेलना, कूदना, खाना, पीना, सोना, लिखना, ये सब क्रियाएं हैं। इन सब शब्दों से किसी ना किसी काम के करने का पता चल रहा है, इसलिए ये क्रियाएं। नमस्ते, मेरा नाम आरिका चौधरी है, मैं कक्षा 4 की छात्रा हूँ। मेरा विषय वचन है। शब्द के जिस रूप से संज्ञा के एक या एक से अधिक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन बहुवचन। एक वचन बच्चा, केला, पुस्तक। बहुवचन बच्चे, केले, पुस्तके। एक वचन की परिभाषा, शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। नमस्ते, मेरा नाम दीपल है, मैं कक्षा 4 की छात्रा हूँ। आज मैं आपको सर्वनाम के बारे में बताने जा रही हूँ। पहले परिभाषा, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, वह। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुष्पवाचक सर्वनाम, जैसे मैं, मेरा, तुम, वह। संबंधवाचक सर्वनाम, जैसे जो करेगा वो सो बढ़ेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो सो जिसकी उसकी। सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम में आ जाते हैं। निजवाचक सर्वनाम, जैसे यह चित्र मैंने समय बनाया है, मैं वहां अपने आप चला जाऊंगा। समय अपने आप निजवाचक सर्वनाम है। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जैसे कोई आ रहा है, गांव में कुछ गिर गया है, कोई कुछ। हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम में डालते हैं। नाउ निश्चयवाचक सर्वनाम, जैसे वह मेरा भाई है, यह तुम्हारी घड़ी है, वह, यह। अपने निश्चयवाचक सर्वनाम में आता है। नाउ प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक, जैसे आप क्या चाहते हैं, वहां कौन आया है, क्या, वहां कौन, कौन, क्या और कौन। हम प्रश्नवाचक सर्वनाम में यूज करते हैं। थैंक्स। मैं नयन यश चौधरी फ्रॉम क्लास 4th, आई एम हियर टू प्रेजेंट माय हिंदी प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट टॉपिक नेम इज संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। के 5 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। फर्स्ट इज व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को बोध कराने वाले शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे शिवाजी, ताजमहल, हिमालय। इस जातिवाचक संज्ञा, जिन शब्दों से अथवा प्राणियों की पूरी जाति का बोध होता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पक्षी, पक्षी, लड़का, पुस्तक, नदी। थर्ड इज भाववाचक संज्ञा। किसी प्राणी, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, अवस्था, भाव के नाम को
भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे अंगूरों में मिठास है, भक्त भक्ति में लीन है। द्रव्यवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी पदार्थ या के नाम का बोध होता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सोना चांदी चावल। द्रव्यवाचक संज्ञा, जिन शब्दों से समुदाय या झुंड के नाम का बोध है हो उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सेना भीड़ दल सभा। हैव ए ग्रेट डे। मेरा नाम हिमांशी सैनी है और मैं कक्षा 4 की छात्रा हूँ। मेरा टॉपिक है वचन। वचन की परिभाषा, शब्द के जिस रूप से संज्ञा के एक या एक से अधिक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं। पहला, एक वचन, शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। उदाहरण, बोतल घड़ी बच्चा। दूसरा, बहुवचन, शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। उदाहरण, बोतलें घड़ियाँ बच्चे। मेरा नाम काशवी है, मैं कक्षा 4 की छात्रा हूँ। आज मैं आपके साथ मेरे एक हिंदी का प्रोजेक्ट लाई हूँ। मेरे हिंदी के प्रोजेक्ट का नाम है कारक। कारक की परिभाषा, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया तथा वाक्यों के दूसरे शब्दों के साथ पता चले उसे कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। सबसे पहले, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा श्रम प्रधान के लिए अपादान से अलग संबोधन है और अधिकरण में पर संबंध का के की रा रे री। थैंक यू। प्रभात, मेरा नाम लक्ष्य जैन है, मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ। मेरा विषय क्रिया है। आइए हम शुरू करते हैं। क्रिया, जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का ज्ञान हो उसे क्रिया कहते हैं, जैसे सोना खाना नाचना लिखना बेचना। आइए अब हम इसे वाक्य के रूप में पढ़ते हैं। हेमान नृत्य कर रही है, इसमें नृत्य क्रिया है। घोड़ा दौड़ता है, इसमें दौड़ना क्रिया है। बच्चा सो रहा है, इसमें सोना क्रिया है। माता भी खाना बना रही है, इसमें खाना बनाना क्रिया है। बच्चे खेल रहे हैं, इसमें खेलना क्रिया है। आइए हम इसे अब क्रिया के प्रकार बताते हैं, पढ़ते हैं। क्रिया, क्रिया के दो प्रकार होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। आइए पहले हम सकर्मक क्रिया पढ़ते हैं। जिस क्रिया से के साथ कर्म की आवश्यकता होती है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, इसमें पुस्तक कर्म है। जैसे दुकानदार फल बेचता है, इसमें फल कर्म है। आइए अब हम अकर्मक क्रिया पढ़ते हैं। जिस क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता नहीं होती है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे गीता नाचती है, इसमें नाचती अकर्मक क्रिया है।
मोहन हंसता है, इसमें हंसता आक्रमक क्रिया है। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम पार्थ, मैं कक्षा चौथी का छात्र हूँ। आज मैं आप सबको हिंदी के विषय काल के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। काल, परिभाषा, क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने या होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। काल के भेद, काल के तीन भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान में होने का ज्ञान हो उसे वर्तमान काल कहते हैं, या जो समय चल रहा है वह बाजार जाता है, शाम खाना खा रहा है, राधा पढ़ने जा रही है, केशव फल खरीद चुका है। क्रिया के जिस रूप से ज्ञात हो कि कार्य समाप्त हो चुका है उसे भूतकाल कहते हैं। वह गया, वह अभी गया है, वह दुकान गया, वह खेलने गया गई। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय का बोध हो उसे भविष्यकाल कहते हैं। वह प्रतिदिन पढ़ने जाएगा, कल मैं घर जाऊंगा, मैं आज खेलूंगा, हम कल मार्केट जाएंगे। धन्यवाद। मेरा नाम पीयूष चौधरी है और आज मैं आपको विलोम शब्द की प्रस्तुति देने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट शुरुआत करते हैं। तो विलोम शब्द इसका मतलब है उल्टे शब्द। तो इसके उदाहरण देखते हैं। रात का विलोम शब्द है दिन। इसी प्रकार अंधेरा का विलोम शब्द है उजाला। काला का विलोम शब्द है सफेद। अंत का शुरुआत, भाई का बहन, माता का पिता, अच्छा का बुरा, एक का अनेक। धन्यवाद। आपका धन्यवाद। मेरा नाम तक्षजैन है, मैं कक्षा पांचवी का छात्र हूँ। आज मैं आपको क्रिया के बारे में सिखाऊंगा। चलो क्रिया की परिभाषा बोलते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का ज्ञान हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे सोना, खाना, नाचना, लिखना, बेचना। आइए हम इसे वाक्य के द्वारा समझते हैं। जैसे हेमा नाचती, हेमा नाचती है, इसमें नाचना क्रिया है। घोड़ा दौड़ता है, इसमें दौड़ना क्रिया है। बच्चा सो रहा है, इसमें सोना क्रिया है। माता जी खाना बना रही है, इसमें खाना बनाना क्रिया है। बच्चे खेल रहे हैं, इसमें खेलना क्रिया है। अब हम क्रिया के भेद के बारे में पढ़ेंगे। क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। चलो हम पहले सकर्मक क्रिया पढ़ते हैं। जिस क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, इसमें मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, इसमें पुस्तक क्रिया है। कर्म, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, इसमें पुस्तक कर्म है। दुकानदार फल बेचता है, इसमें फल कर्म है। चलिए आइए हम अकर्मक क्रिया पढ़ते हैं। जिस क्रिया
क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। गीता नाचती है, इसमें नाचती है अकर्मक क्रिया है। मोहन हंसता है,